का नाम है फिल्टर कॉफी, साउथ इंडियन ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी, यू विल गेट ओवर देयर। हाय इशू, गुड मॉर्निंग। अरे सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ। ए नो 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 नो, इसको टच नहीं करना, ये बेटा खराब हो जाएगा। ये रिमोट भी तुमने तोड़ दिया अभी तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इशू अभी आज अच्छे से 9 बजे तक सो के उठा है। कल रात को बहुत खेला, कल रात को गाना चला दिया था हमने। ये इधर से उधर भाग रहे हैं, डांस कर रहा था, और रात को बहुत थक गया था ये, और थक के आराम से सोया। और अभी उठ के हम लोग नीचे आए और अभी चाय पिया है, और अभी मैं जस्ट रेडी होऊंगा और मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए, और इशू रहेगा अम्मा के पास। नो 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 बेटा, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। दिस इज केस ऑफ दिस DJI Osmo Pocket 2। चलो इशू, तो मैं नहा लिया हूँ और इशू को नहलाने के लिए अभी टाइम है। इशू थोड़ा सा आज यू नो सैड है, पता नहीं क्यों। कल रात तो बहुत खेला, बहुत इन्जॉय किया, बट अभी शायद नेहा जल्दी चली गई और मैं अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ, तो उसको समझ आ गया कि पापा भी ऑफिस जाने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा सैड हो गया है। मम्मी इसको थोड़ी देर अभी खिलाएंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा। इशू क्या हुआ? आई लव यू। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, इशू सोया है बहुत मुश्किल से, माफी भी आई नहीं है, वो आएगी थोड़ी देर में, उसको कुछ तो काम आ गया था अर्जेंट, इसलिए वो लेट हुई। अभी तन्नू घर पर आ गया है, तो आधे घंटे में माधवी आ जाएगी, तो उसको हैंडल कर लेगी। तब तक मैं ऑफिस पहुँचूँगा, मैं ऑफिस पास में जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं वापस आ जाऊँगा, मम्मी का फ़ोन आएगा। तो चकना का एरिया में रोज़ का है ट्रैफिक का। कल मैं गया यहाँ से तो मुझे ट्रैफिक नहीं दिखा। मैं मीरा रोड से पवई पहुँच गया था तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट, दूसरी 2 घंटे लगता बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बट आज कल ये चकना का पूरा खाली था, आज पूरा भरा हुआ है, पता नहीं क्यों। और कल आते हुए तो बहुत बुरी हालत थी, कल आते हुए मुझे करीब अंधेरी से आते हुए 2.5 घंटा लगा। 7 बजे निकला हूँ ऑफिस से और 9:30 बजे, इनफैक्ट 3.25 घंटा लगा। 3.25 घंटे में हम लोग घर पहुँचे। और यहाँ का IDC का इडली ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक जगह पे जा रहा हूँ जिसका नाम है IDC, एंड दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द फेमस फूड जॉइंट इन बोरीवली, साउथ इंडियन। अगर आपको खाना है तो यहाँ पे आके भयंकर साउथ इंडियन मिलते हैं, एंड बहुत फेमस है। साउथ का कोई ब्रांड है और ये इडली और सांभर वड़ा और जो डोसा यहाँ का है बहुत ही लाजवाब होता है। सांभर चटनी एंड पोड़ी इडली एंड बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ है जो आपको यहाँ पे खाने को मिलेगी। तो मैं भी जाता हूँ वहाँ पे और इडली एंड बड़ा ट्राई करता हूँ, सांभर बड़ा बहुत दिन हो गए। और एक और चीज़ है वहाँ की जो आप ट्राई करना मत भूलना, जिसका नाम है फिल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी, यू विल गेट ओवर देयर। सो इट इज़ इन बोरीवली वेस्ट, एकदम अपोजिट टू स्टेशन है, द वेस्ट साइड का जो स्टेशन का गेट है उसके पास ही एकदम। एकदम बोरीवली स्टेशन के मेन गेट के सामने यू विल सी IDC, इडली डोसा एंड कॉफी। वाला एंड वन फिल्टर कॉफी।
चल गुड ये वाला तो एक फाइनली एक सब्सक्राइबर अपने को यहाँ मिल रहे हैं. क्या नाम है आपका? विभास. विभास ओके. यहाँ का इडली का टेस्ट और ये चटनी जो है लाल चटनी और नारियल चटनी है टेस्टी डिफरेंट है. मतलब प्रॉपरली ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाने का मजा मिलता है. एंड सांभर इज ऑल्सो थे. यहाँ इडली वो नॉर्मल इडली नहीं मिलती है, बड़ा एक चपटा इडली होता है. फिल्टर कॉफी लेता हूँ एंड थोड़ा इडली बचा है उसको फिल्टर कॉफी के साथ खाऊंगा. दैट्स फिल्टर कॉफी बीइंग मेड. और ये जाएगा इसमें मिल्क. किचन ऑफ IDC. तो मैंने एक्चुअली इडली पार्सल कराने के लिए बोला है मम्मी के लिए और ये पार्सल कर रहे हैं. प्रॉपर पैकिंग में दे एक्चुअली पार्सल ऑल द स्टफ. सांभर अलग से, नारियल चटनी अलग से और टमाटो चटनी अलग से ये पार्सल कर रहे हैं. एंड इडली का एक अलग पैकिंग रहेगा जो ये अलग से करने वाले हैं. मैंने इनसे एक्चुअली पूछा था कि मुझे मसाला डोसा लेके जाना है तो सॉगी तो नहीं हो जाएगा? बट उन्होंने बोला नहीं, हमारा जो मसाला डोसा होता है वो थोड़ा सा थिक होता है मसाला डोसा, तो उसमें सॉगी नहीं होता है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लेके जा सकते हैं. बट अभी इडली लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अभी मैं मसाला इडली लेके जा रहा हूँ. इट्स नॉट इडली, इट्स मसाला. इसलिए तो मसाला इडली का ये एक मिनट. अगर आप घर के लिए भी लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं. उन्होंने बहुत नाइसली एक डब्बे में मसाले के ऊपर घी डाला है और एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किया है. तो ये प्योर घी है जो इन्होंने बताया कि नंदिनी घी है और ये प्योर घी है साउथ का. यहाँ पे नहीं मिलता, ये यहाँ नहीं मिलता तो ये वहीं से मंगाते हैं. अगर बेंगलोर से ऑथेंटिक घी से ऑथेंटिक घी है. थैंक यू. तो ये मेरा इडली पार्सल आ गया है, लेके चलता हूँ. एंड इफ़ यू आर कमिंग टू बोरीवली साइड IDC ज़रूर ट्राई करना, एकदम स्टेशन के सामने है. पहले पीछे हुआ करता था टूवर्ड्स मलाड, बट अभी इनका जो आउटलेट है पिछले 2-3 साल से इन्होंने यहाँ पे एकदम स्टेशन का जो मेन गेट है बोरीवली वेस्ट का, उसके एकदम सामने कॉर्नर की शॉप है. वहाँ पे आपको बढ़िया साउथ इंडियन खाने को मिलेगा विद फिल्टर कॉफ़ी जो मैं पी रहा हूँ. तो लंच तो मेरा हो गया, इडली और कॉफ़ी का. बट मैं ऑफिस में मेरा पावर बैंक बुलाया हूँ, तो मैंने अभी वहाँ से किसी का फ़ोन आया तो वहाँ से उन्होंने बोला कि चला पावर बैंक भूल गया, तो वो अभी देने आ रहा है. मैंने उसको बोला IDC पे आ जाओ और यहीं से मैं फिर पावर बैंक लेके घर निकलूँगा. और मैंने इडली को पैक कराया, वो फटाफट घर पहुँच जाए तो मम्मी एक्चुअली वहाँ पे इडली खा पाए. तो डेट वॉज बेटर. तो मेरा पावर बैंक आ गया. यार थैंक यू. तो फाइनली होटल गया और मैं निकला हूँ. IDC में उन्होंने मुझे अपनी किचन में थोड़ा 5 मिनट का टाइम दिया, तो मैंने रिकॉर्ड किया. खाने का साउथ इंडियन जो ऑथेंटिक मिलता है ना वो बहुत सही है, एक बार ज़रूर ट्राई करना वहाँ पे जब भी आपका मौका लगे. तो IDC पर जरूर आना. वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है, अगर आपको आना चाहते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप बैठ के भी खा सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली. आ रहा था मुझे यहाँ से कॉम ले लेते, मैंने बोला था कि कॉम लेने यहाँ से. तो बोरीवली में एक रिचविल का सेंटर है, इट्स इन बोरीवली वेस्ट. तो बोरीवली वेस्ट में गांजावाला लेन में पड़ता है. और ये ऑटो का जो पीछे आप ब्लू पर्पल देख पा रहे होंगे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे कैमरा. सो अभी निकलते हैं घर की तरफ एंड